हजार, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट में लॉस ऑफ अवर पर्सनल प्रॉपर्टी, इसकी वजह से किस चीज का लॉस होता है बेटा, हमारी जो वैल्यूएबल आइटम्स का लॉस हो सकता है कि नहीं। सो इट कैन कॉज लॉस ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स एंड ह्यूमन लाइफ। वैल्यूएबल आइटम्स एंड ह्यूमन लाइफ इफ इट इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है। सो इफ फायर कहीं पर भी है, इट इज अनकंट्रोल्ड, वी हैव टू एक्सटिंग्विश इट। अगर कहीं पर ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो क्या करना चाहिए, एक्सटिंग्विश करना चाहिए, बुझा देना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, कैसा हो जाए बोलो, आउट ऑफ कंट्रोल। कभी ऐसा देखा कि कूड़े में आग लगी फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, हाँ। तो उसे बुझाना चाहिए कि नहीं, देन वी हैव टू एक्सटिंग्विश इट, हमें इसे बुझा देना चाहिए। नाउ अब जरा देखिए, द मेथड्स ऑफ फायर फाइटिंग इज या एक्सटिंग्विशिंग फायर इज, पहली चीज एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन में क्या बता रहे हो निकेता आप बोलो, दैट इज सर जितने सर जो मतलब बर्निंग आया फ्यूल्स होते हैं ना सर, उसको हम लोग को एक साइड करते हैं। मंगल बोलो सर, एनीथिंग दैट कैन बर्न और कैच फायर यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द, सो रिमूव द अनबर्न थिंग, अनबर्न। आप लोग पीछे क्यों बैठ गए बोलो, ये आपकी सीट है ना सर, ये आगे ना घुस गए, ऐसे नहीं आप पीछे जाओ, जो किसी की सीट है ऐसे डेली चेंज नहीं करो। चलो अपनी जगह पे आओ सर, ये लोग उधर बैठते थे, मेरा नाम बोल रहे हैं इन लोग, काफी विनय प्रभात बोलने लगेंगे, हमें नाम कितना मुश्किल से याद हो रहा है। हाँ चलो अपनी जगह बैठा करो सर, ये उधर बैठे नहीं नहीं ठीक है, यहाँ बैठो यहाँ, ठीक चलो कोई बात नहीं, ये सही जगह है, तीन सीट तक तो हम आराम से देखते हैं। नाउ सी, तो पहली चीज है रिमूव अनबर्नड आइटम्स, ठीक है, रिमूव अनबर्नड आइटम्स। पहला तो ये काम है फ्रॉम बर्निंग आइटम्स, फ्रॉम बर्निंग आइटम्स, और दूसरा है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग और क्या है सर, स्मूदरिंग है सर जैसे कि किसी चीज में आग लगी है उसके ऊपर गीला कपड़ा, हाँ, कवरिंग द बर्निंग मटेरियल विद ब्लैंकेट, जैसा बुक में डायग्राम दिया है, कवरिंग द बर्निंग मटेरियल, कूलिंग विद ब्लैंकेट रिद्धि, सो दैट संदेश कंप्लीट करो, सो दैट बोलो ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ, इसे कट ऑफ हो जाए तो दूसरी चीज स्मूदरिंग है, और तीसरी चीज है कूलिंग। तो कूलिंग में क्या करना पड़ेगा, पिछले क्लास में आपने देखा था कि पेपर को हमने वाटर से कूल कर दिया था तो क्या पेपर जल पाया था, नहीं जल पाया था। तो इस तरीके से अगर आप किसी चीज को कूल कर दो, वो उस पर पानी डाल दो, तो स्प्रे वाटर ऑन द बर्निंग मटेरियल, सो इट गेट कूल्ड, और जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पहुंचना चाहिए तभी वो चीज जलती है, फुलझड़ी भी जलाते हो तो टेम्परेचर चाहिए, तब जाने के बाद जलती है। सो स्प्रे वाटर बिफोर गेटिंग इन एडिशन सर, टू रिलीज देयर इग्निशन टेम्परेचर, नहीं इग्निशन टेम्परेचर जैसे किसी का 200 है, तो अगर आप 100 तक किसी चीज को पहुंचा दोगे
उस टेम्परेचर को कूल डाउन कर दोगे फिर वो जलेगी नहीं। हर एक चीज़ का आप सही बोल रहे हो। तो इग्निशन टेम्परेचर तो जो है वही होता है, किसी चीज़ को जलने के लिए एक जरूरी टेम्परेचर होता है। अगर आप उस पूरी जगह का टेम्परेचर लोअर कर दो तो क्या वो चीज़ जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। तो हर एक का इग्निशन टेम्परेचर है। जैसे देखो पटाखे का इग्निशन टेम्परेचर बहुत थोड़ा होता है और उसी में फुलझड़ी का और ज़्यादा होता है, और लकड़ी हो तो काफ़ी देर तक रखे रहो तब जलती है। तो हर एक का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर है। तो हमें उसे वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना, ठंडा रखो तो जलेगा क्या कब नहीं। जो स्प्रे वाटर टू कूल द बर्निंग मटेरियल, And bring down its temperature. मान लो अविश कि कहीं पर आग लगी हुई है, लकड़ी में आग लगी, तो अपना तुम कीमती ब्लैंकेट तो उसमें नहीं डाल लोगे, इंसान पे तो डाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप स्मूदरिंग कैसे करोगे? ऐसे स्थिति सर, ये ज्यादा करें आप ही बोलो सर, ट्रैक्टर चला के या तो ये भी सही पानी डाल, ये आप बोलो सर मिट्टी डाल। हाँ जी, ये ज्यादा अच्छा। इन लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आपने सही चीज बोली कि पुट सैंड ओवर द बर्निंग आइटम्स, तो उससे क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा, ये जो बोल रहे थे ट्रैक्टर, ये एक्सकेवेशन में बोल रहे थे, एक्सकेवेशन में जो बर्निंग को इससे सेपरेट करने के लिए बीच में ट्रैक्टर जला दे, ये एक्सकेवेशन का उदाहरण देते हैं। हम पूछ रहे थे कि ब्लैंकेट का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर चल, और पुट सैंड ऑन बर्निंग, क्या तुम्हारे स्कूल में बकेट्स में सैंड रखी हुई है? तो वो इसीलिए उस पर डाल दिया जाए, पुट सैंड ऑन बर्निंग मटेरियल। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको लिखना है हाउ फायर इज हैजार्ड, व्हाट आर द थ्री मेथड्स टू काउंटर इट। तो थ्री मेथड्स का ये भी लिखना, हाँ लिखना है। जो लिखा है वो सब कुछ लिखना है। एक ही नंबर है दोनों का मिल गया पेपर, ये लो। ओके सर, लास्ट का सर, एक सेकंड सर, वो फायर, हाउ फायर इज हैजार्ड, फायर इज हैजार्ड, हाउ कैन वी एक्सटिंग्विश इट, कूलिंग के लिए एक और क्या क्या बताया आपने, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर, वो कूल भी करेगा और CO2 से उसको कवर भी कर देगा। सो और यू कैन यूज फायर CO2, वो ये फायर बॉटल ना, फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल, और फायर और भी फायर लिख लो, फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल जो पीछे लगी हुई है, तो उसको स्प्रे कर दो, बिल्कुल जिस पे भी डालो वो ठंडा हो जाएगा, पीछे दो रहे ना रेड कलर के, इधर पानी जाए, पानी यहाँ पर ठंडी हुई है सर, कौन सा कलर है? दो दोनों ही CO2 के, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ऊपर कर दिया सर, एक मिनट करो भैया, ऊपर का कर लिया था, चलो चलो करो स्टार्ट करो, बाकी लोग शुरू करो। टेम्परेचर और यूज CO2 वाटर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर वाटर, या तो सैंड डालो या कंबल डालो, सैंड और इनमें से कोई एक डालो, सैंड ये तीनों ही जरूरी है, और CO2
एक्सटिंग्विशर बॉटल लिख दो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हम चला देंगे, तो ऐसा नहीं है। फायर नुकसानदेह क्यों है? जानलेवा क्यों? हजार का मतलब जानलेवा, तो जानलेवा क्यों है? इसको हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए? चलो स्टार्ट करो, यही सब लिखना है जो भी हमें लिखा है, यही है वही उसका आंसर ही है। करो एक्सकेवेशन, पी एक्स सी ए वी ए टी आई। दोस्तों दे दो सर, गेट पे आओ मारे लोग आए, पूरे रोड को पानी, पूरे रोड को पानी चल गया, फिर जाएंगे हम उसी के ऊपर। चलो बात नहीं करो, ऐसी अंगूठी जो चिकनी हो, स्मूथ रिंग। ये समझ आ रहा है। हाँ ठीक है ना, हाँ। The minimum temperature at which the lowest temperature a substance catches fire is called its ignition temperature. देखो आओ देखिए समझिए, जमा करो भाई, द लोएस्ट टेम्परेचर
लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच समथिंग कैचेस फायर। किसी चीज को जैसे पेट्रोल में तुम हल्की सी चिंगारी तो आग लग जाएगी, तो वो एक उसका इग्निशन टेम्परेचर है कि वो 70 डिग्री में ही आग लग जाती है। कितने में लग जाएगी? हल्की सी चिंगारी दो, और अगर फुलझड़ी को ऐसे कर दो आग में कुछ नहीं होगा, तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। इवन गर्म हो जाती है तब भी नहीं आग लगती, मालूम है? गर्म कर दो बहुत देर तक लगाए रखो तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको 200 चाहिए। हाँ बोल, हाँ बोलो बेटा। जमा करो नहीं तो उतना नहीं समझ पाओगे, अभी ये भी कराना है। So that is, repeat करो मंगल, what is ignition temperature? The lowest temperature at which something can burn or catch fire is called ignition temperature. Repeat करी बेटा। अरे? Ignition temperature, the temperature in which something can get burned. थोड़ा और अच्छा बोलो। The lowest temperature in which air substance can catch fire. Catch fire बोलो। द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, वो न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ आग पकड़ता है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर या आग्नेय बिंदु कहा जाता है। अब जरा देखिए, इवन द मैच स्टिक इट इज सो सेंसिटिव। आपने फॉस्फोरस देखा है? फॉस्फोरस तो वही फॉस्फोरस रेड कलर का होता है, वही मैच स्टिक पे लगाओ जब ऐसे करो तो क्या होगा बताइए? जल जाती है। और मैच स्टिक के ऊपर जो डॉट डॉट बने होते हैं उसमें क्या क्या सब्सटेंस है? तो मैच स्टिक में क्या बताइए, सिर्फ फ्रिक्शन से आग पकड़ लेगी क्या? नहीं है। आप मैच स्टिक को उसकी जो पेस्ट है जो स्टिकर पे ऐसे करो तो कितना कम टेम्परेचर है, हल्का सा, जैसे हम लोग हाथ ऐसे करते हैं, इतने में मैच स्टिक को ऐसे लगा लो तो आग पकड़ लेती है, तो सिर्फ फ्रिक्शन से तो पकड़ ले रही है, तो इट हैज वेरी लेस इग्निशन टेम्परेचर। इस इतना समझो जैसे हमने ऐसे किया तो क्या ये देखो 40 डिग्री हुआ, करके देख लो हाथ गर्म हो जाएगा। गर्म हुआ ऐसे करो, थोड़ा गर्म लग रहा है तुम्हें हाथ, हाथ ऐसे करो गर्म लग रहा है, इतने में मैच स्टिक आग पकड़ लो, तो बोला उसको उसका टेम्परेचर कितना हुआ 40 डिग्री। अब देख लो गर्म हो रहा है ना, ऐसे ऐसे गर्म हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, हीटअप होता है ना, वार्म अप होता है फ्रिक्शन, तो मैच स्टिक 40 डिग्री पर ही आप पकड़ लेती है उसका इग्निशन टेम्परेचर, उससे कम नहीं, तो रगड़ना तो पड़ेगा ना, उतने फ्रिक्शन में हल्का सा गर्म हो जाएगा। तो ये तो तुम्हें पता चल गया ना, अगर मैं इसमें लगा दूं तो क्या होगा? सो मैच, सुनिए, मैच स्टिक catches fire on rubbing on its sticker, so it has very less ignition temperature. However, the वो फुलझड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है मैग्नीशियम क्रैकर, क्रैकर है ऐसा पता नहीं, फायर क्रैकर हमें मालूम नहीं, ऐसा कैसे, वो मैग्नीशियम ही है। मैग्नीशियम catches fire when it is prolonged kept on candle. Yes, sir. बहुत देर तक दिखाना पड़ता है तब जाके वो फुलझड़ी जलती है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हुआ कि नहीं? दिया बुझ जाते वो नहीं। हाँ चलो, तो इस तरीके से लिखो, व्हेन मैच स्टिक इज रब्ड ऑन मैच बॉक्स ड्यू टू फ्रिक्शन a small rise in temperature takes place and it catches fire. Friction होने से rise होता है ना temperature में, तो due to friction, due to सर पत्थर आराम से वो चिंगारी पकड़ लेता था जब मैचस्टिक नहीं था, पहले होता था चकमक पत्थर, तो उसमें क्या तो ऐसे करो तो आग पकड़ लेता था, चकमक आवाज सर दो पत्थरों को आपस में टक्कर आते हैं ना, जैसे कई बार लैंडस्लाइड भी होता है तो एक पत्थर जब दूसरे पे गिरता है तो उससे जो चिंगारी निकलती है उससे उसका सूखा पत्ता जो आसपास है वो आग पकड़ लेता है, पहाड़ों पे आग लग जाती है। समझ में आई बात? ड्यू टू, और जो पहाड़ों पर की जो लकड़ी है वो भी बहुत सेंसिटिव होती है, वो चीड़ के पेड़ है, चीड़, देवदार, साल, साखू, सागौन के पेड़ है, दीज आर वेरी सेंसिटिव, उनमें ऑयल रहता है पेड़ों पर और उससे बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ड्यू टू फ्रिक्शन, इस सेंटेंस को पूरा करो, लेते क्या होता होगा?
फ्रिक्शन किया आपने माइक्रो ऑक्साइड वगैरह, क्या होगा? अ स्मॉल देखो ये सही बोली है, बहुत अच्छा याद आ रहा था, मैं लिख रहा था, बहुत अच्छा। हम पहले से ही कहते थे ना ये जीनियस है। सो स्मॉल राइज इन टेंपरेचर कैन कॉज फायर, टेक्स प्लेस व्हिच कॉजेस फायर, सर लिख रहा था उसमें, बहुत अच्छा, व्हिच कॉजेस फायर। अब अगला देखो, इफ मैग्नीशियम रिबन इज प्रोलॉन्ग केप्ट ऑन बर्निंग कैंडल ऑन फ्लेम देन इट कैचेस फायर, देन इट स्टार्ट्स बर्निंग, होता है कि नहीं, विद ड्रिजलिंग, उसमें रोशनी पैदा होती है, ड्रिजल करता है। इफ मैग्नीशियम रिबन इज प्रोलॉन्ग kept on flame, it burns with brilliancy, चमक के साथ। कैसा होता है चमक? brilliancy। इससे क्या पता चलता है मित्रों? मैग्नीशियम रिबन को सर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब है कि सो इट हैज हायर इग्निशन टेम्परेचर। इससे क्या पता चलता है? नोट That is match stick has lower ignition temperature and ignition जलाया था क्या? जल गया था सर, मेरा गायब हो गया, बोल बात। मैच स्टिक हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर, और दूसरा क्या बताइए? जबकि मैग्नीशियम, इसीलिए पुरानी फुलझड़ी हो जाती है तो जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। टेम्परेचर आपको पता चल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए विच हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, विच हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर, पहली चीज है के ऑयल, और पेट्रोल, दूसरी चीज दैट इज फूड और केरोसिन ऑयल, केरोसिन लकड़ी मुश्किल से पकड़ेगी, ठीक है नहीं? पेपर एंड वुड, पेपर 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 जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है? वुड और प्लास्टिक, नेक्स्ट पेज निकालो, इसमें क्या दिखाया गया है?
कि फायर फाइटर क्या आग में पानी डाल रहा है? फायर फाइटर ये इसके पास होज है, होज क्या होता है जिससे पानी फेंकते हैं, दिस इज बाई होज वाटर इज पुट, तो इस तरीके से फायर फाइटर मैन, इसे फायरमैन कहते हैं, हाँ ये फायरमैन है, अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन कहते हैं अग्निशमन। अब जरा देखो हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि व्हेन फायर ब्रिगेड अराइव्स देन द फायरमैन थ्रोज वाटर थ्रू फायर होज ऑन बर्निंग मटेरियल एंड इन दिस वे वी कंट्रोल फायर। जो मैंने बोला है अभी श्रेयस आपको बोल के दिखाएं, बोल बेटा। वास्तव में उसके पास इतना ज्यादा पानी है कि वो थ्रो ही कर देता है, इतना ज्यादा पानी निकलता है। सो पानी लाए सर अंदर ना, जब भी होली होती है फायर फाइटर पानी फेंकते हैं ना, फायर अंदर बहुत ठंडा पानी होता है। हाउ फायर ठीक है इन बिग बिल्डिंग्स इज एक्सटिंग्विश्ड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाती है ना, हाउ फायर इन चलो सबसे कम बच्चे हो तुम लोगों, फिर भी तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा शोर होता है। मैंने मैम से कहा दो तीन बच्चे इसमें से कम करो, ये शोर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दूसरी क्लास में 25 बच्चे हैं, कोई मजाल है बोल दे, तुम लोग को छूट है, अमीर घर के लड़के हो सब, सबके घर में स्कूटर है, क्या कर है ना। अब जरा देखो नाउ हाउ इट इज एक्सटिंग्विश्ड, तो कैसे एक्सटिंग्विश्ड होती है, फायर ब्रिगेड अगर आपको कभी आग लगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर है कि कौन सा 3 डिजिट का नंबर, उसमें लिस्ट भी लगी है, तो उसमें तुम वो नंबर को कॉल करोगे, वो 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएगा और कह दो यहाँ कैंडल में आग लगी जरूर जाएगी। When fire brigade arrives, सुनो When fire brigade arrives, then fireman क्या करेगा बताइए, अनरोल द होज, एक लंबा सा होज होता है ना, ट्यूब होती है ना उसके पास कपड़े की, सो देन फायरमैन ठीक है थ्रोज वाटर ऑन बर्निंग मटेरियल, सर इनका चार्जेस पे होता होगा विद फायर होज। अब जरा देखो तो इससे क्या होगा, दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, ये उस चीज को क्या करेगा, टेम्परेचर को ब्रिंग्स डाउन बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम ला देगा। कोई चीज गीली कर दोगे तो नहीं जलती है, क्योंकि फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाएगी, सो इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर ब्रिंग कर देगा, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इट्स नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर भी तुम जाओगे तो हाथ पैर जल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो धुआं निकलता रहता है, बहुत गर्म पानी हो जाएगा जहां आग लगे, लेकिन जितना चाहिए उससे तो कम हो ही जाएगा आग में, हाँ टेम्परेचर, फिर उसमें कोई चीज जल नहीं सकती है, सो फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड इस तरीके से आग बुझ जाती है। तो आपको ये चीज बतानी है कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, और दूसरा ये बताना और तीसरा ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, इग्निशन टेम्परेचर जिन्होंने क्या लिख दिया, अभी पेपर नहीं दिया, कैसे लिख दिया तुमने, पहला क्वेश्चन है डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कितना है, और तीसरा क्वेश्चन ये है,
फायर ब्रिगेड अराइव्स फॉर फायरमैन थ्रोस ये लो काम कर ले काम द मोस्ट पहली लाइन पढ़ो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर ठीक है बट हाउएवर इट वर्क्स ओनली विद वुड एंड अगर पेपर के लिए उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगी लेकिन हम पानी से कोई आग बुझाए और CO2 से तो दोनों में क्या फायदा है सर पानी वाटर से अगर बुझाएंगे सर कुछ ही इक्विपमेंट में सर बुझेगा और सर जब कोई आग मतलब शॉक या फिर कोई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगती है तो उसके लिए सर पानी यूज ही लगता है सर उससे और वो गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी है तो सर और बढ़ जाती है और तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सही और जैसे इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए अविश की बुक्स में आग लग जाए तो हमें पानी से बुझाना चाहिए कि नहीं पानी ये जैसे कह रहे नहीं बुझाना चाहिए क्योंकि किताबें गीली हो जाएंगी और CO2 का स्प्रे करेंगे तो पानी डालने से कई बार वो चीज कीचड़ कीचड़ हो जाएगी बुझ तो जाएगी लेकिन क्या उसको यूजलेस हो जाएगी जबकि CO2 से जो बंद चीज है बुझ जाएगी बाकी चीज को तो तुम यूज कर सकते हो कि नहीं तो इसलिए एट मेनी टाइम्स जो CO2 है वो क्या होगा इट इज बेटर फायर एक्सटिंग्विशर देखिए अगर मान लीजिए हाँ अगर मान लीजिए ऑयल और पेट्रोल ध्यान दो बेटा क्या दिक्कत है इफ वी पुट वाटर ऑन ऑयल अगर ऑयल में या पेट्रोल में आग लग गई तो पानी डालेंगे तो क्या होगा बोलो पूरी बातें बता रहे हैं क्योंकि अगर ऑयल हल्का है पानी नीचे बैठ जाएगा तेल ऊपर आएगा पानी और तेल में ऊपर क्या होता है बोलो तेल ऊपर आ जाएगा तो तेल फिर भी जलता रहेगा तुम चाहे जितना भी पानी डाल दो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि समुद्र के ऊपर जो ये तेल निकाला जाता है ना ये लोग कई लोग जो रिलायंस वाले हाईवे मुंबई हाईवे पे तेल निकालते नहीं है क्रूड ऑयल वो कई बार स्पिल होता है उसमें आग भी लग जाती है जलता रहता है कई सालों तक समुद्र के ऊपर आग लग जाता है वो तो कितना निकल रहा है वो लाखों लीटर है तो कई बार चार साल तक जल रहा था तो ऐसा होता है समझ में आने बात की नहीं तो अब जरा देखिए सो वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर लेकिन वाटर किसके लिए यूज हो सकता है वुड एंड पेपर वुड एंड पेपर पे भी तो सर पेपर पेस्ट हो जाएंगे सॉलिड फायर किसके लिए यूज हो सकता है देखो सॉलिड फायर लिक्विड फायर एंड इलेक्ट्रिक फायर तीन तरह की कैटेगरी है क्या यहाँ ABC कुछ लिखा है अलग अलग तरीके के तीन कैटेगरी हैं ABC लिखा है A तो A सॉलिड के लिए B लिक्विड के लिए और C इलेक्ट्रिक के लिए सर C वाली तीनों में CO2 यूज कर सकते हो कूल कर देगा ना सही है तो फायर की तीन कैटेगरी कौन कौन सी बताइए सॉलिड फायर अब दूसरा दो दूसरा देखिए दैट इज फॉर लिक्विड फायर क्या तो उन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे कूल करने के लिए CO2 का यूज कर सकते हैं ठीक है या फिर हमारे पास एक फोम एक्सटिंग्विशर आता है झाग झाग कर देगा तो दैट इज फोम एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर अगर पेट्रोल में आग लगी है ना तो झाग झाग पैदा कर दो तो ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट हो जाएगी बोलो समझ आ गई बात की नहीं देखो चॉकलेट कलर का भी एक बॉटल होगा बड़ा सा 9 गैलन का तो दैट इज इट इज फॉर फोम इसे उल्टा करके लगाया जाता है झागी झाग हो जाती है अभी हम वीडियो में दिखा रहे हैं मतलब जब ये होगा उससे झाग पैदा होगी ठीक है तो लिक्विड फायर को कैसे ऑपरेट करेंगे फोम एक्सटिंग्विशर सेंटेंस पूरा करो करिया इज यूज्ड बताया करो सही है इज यूज्ड फॉर लिक्विड फायर जो वाटर कैन बी यूज्ड फॉर सॉलिड फायर फोम एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर लिक्विड फायर और इसके अलावा दैट इज DCP
ट्राई केमिकल पाउडर, उससे निकलेगा केमिकल निकलेगा. इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक फायर. ट्राई केमिकल पाउडर, केमिकल पाउडर पाउडर इज यूज किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिकल फायर. इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर का क्या सिंबल है? सी. हाउएवर CO2 कैन बी यूज्ड फॉर ABC. CO2 से तीनों आग बुझाई जा सकती, नहीं तो देख लो उसमें ABC लिखा है. क्या लिखा है? CO2 कैन बी यूज्ड फॉर CO2 का. तो ये DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर. ये इलेक्ट्रिक के लिए देखो क्या लिखा है, DCP. वो दूसरा CO2 की बोतल वो अभी ला देता है. सर ABCDC सर कंपनी है. ABCDC क्या चीज है बोलो सर? यहाँ पे लिखा है ABCDC तो लिखा है ना मैं DCP देख रहा हूँ. अरे ABCDC यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो ये ड्राई केमिकल पाउडर, लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर तो कॉपी पे या इन सब चीजों पे लगाओगे तो कॉपी खराब होगी, सही है? अच्छा अब जरा देखो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए यूज कर सकती हो? भी बात आई है और इसको सिर्फ प्रेस करते हैं तो मछली बनाने वाली एक भी बता दी जाएगी. बड़े सर चला रहे हो क्या? नहीं तो पता चल गया ना कुछ. इसको ज्यादा ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जगह जगह इतना होगा कि इसको ज्यादा प्लंजर मत हटाना. अब ये देखो सुनो, CO2 कैन बी यूज फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ CO2 कैन बी यूज कि किसी तरीके से एक होता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ये इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, लिखा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. उसी में सबसे नीचे लिखा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. वास्तव में जो तुम्हारे स्कूल में रखा है ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है. इसे देखें, ये अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हर क्लास में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाया जाएगा जब तक तुम MSc में नहीं पहुंचो. ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जनरल है, ये सब जगह ही होता है. जरा इसका मतलब समझो, ये होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर is most common for solid fire. किसके लिए? solid fire. वैसे हमारे पास दोनों चीज रखती है लेकिन हम इसे करके नहीं दिखाएंगे, बस बताएंगे आप. मेरे पास एसिड भी रखा है, सोडा भी रखा है. अब ये देखो सोडा, तुम बेकिंग सोडा जानते हो, दूध में डालते हैं कभी ना फटे. और एसिड ये होता है जो टॉयलेट क्लीनर के 10-10 रुपए की बोतल मिलती है वो रखा हुआ है. तो अगर इन दोनों को तुम मिलाओगे तो इतना CO2 निकलता है, और ठीक है कि नहीं? तो उससे तो पहली चीज सोडा क्या लिखा है बताइए, इसका क्या फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा. क्या चीज है? बेकिंग सोडा. सोडा और एसिड क्या बताया? सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? सर जो इसमें होता है मतलब में, तो इन दोनों का मिक्सचर है. तो इसमें जब हम प्लंजर को फोड़ते हैं तो प्लंजर से सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है बेकिंग सोडा में और वो CO2 बना देता है. ओके हेलो दो आए अभी तो पानी भरा हुआ है तो देखेंगे. सर,
बच्चे तो मैंने जब तक पानी निकलने का नाम तब तक पढ़ेंगे। चलो ओके नाउ गेट सेट। ये अनडिसिप्लिन्ड है, वो वहां बात कर रहा है, इट इज मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड। जिस जो भी आ रहा है थे पूछ रहा है कि श्रेयस तो नहीं है तुम्हारे यहाँ, श्रेयस पढ़ता है क्या? दो ही लोगों का नाम ले रहा है, कौन पढ़ रहा है तुम्हारे यहाँ? बच्चे ही नहीं दे रहा हमको, ये निकले तो बच्चे आए, ये भी अनडिसिप्लिन्ड है, वहां बात कर रहा है उससे। हम चार सेंटेंस आगे का सोच के बैठे, ये थक से बोल देगा, वो चारों सेंटेंस वेपराइज हो जाएंगे, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना। इसको बोलने में कुछ खर्चा लग रहा है क्या? और जो पूछो तो स्टूपिड समूह बना लेगा। क्लास को भी ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ ले आया, जब से आया स्टैंडर्ड ही नहीं ले गया इसका। ठीक है हिंदी नहीं बोल पाते हो, चलो सुनो तो, से भी इंग्लिश में बात कर रहा। चलो नाउ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको पानी में डाल के हम डाइल्यूट कर लेते हैं, वो ऐसा एसिड नहीं, थोड़ा 10% एसिड है और 90% वाटर के साथ, और सोडा तो तुम जानते हो, इसको कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब चार चीजें बताओ, बताओ सॉलिड फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करती हो? और दूसरा सॉलिड फायर के लिए कौन से तीन फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हो? बोलो CO2। और तीसरा कौन सा है? हेलो हाँ जी, हेलो हाँ, निश्चित करने से बात करेंगे। देखो चार चीजें मंडल ने बताई हैं, सॉलिड फायर के लिए कौन से चार चीजें यूज करेंगे? सॉलिड फायर के लिए बीजीपी, हाँ, वाटर, हाँ, दिव्यांश सर, बीसीपी फोम वाटर और फोम कहाँ से यूज कर लोगे आलोक, बताओ चार चीजें। सर फोम एक्सटिंग्विशर और बेटा बताइए, सीओ टू वाटर बीसीपी और फोम एक्सटिंग्विशर। सर सर बीसीपी वाटर और सी नहीं वो सीओ टू एक और बेटा सर 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 लो इन्होंने बता दिया, यहाँ लिखा ना देखे होंगे और बच्चे कितने ईमानदार है, कोई नहीं देख रहा, नहीं यही देख लिया, सॉलिड फायर लिखा है एबीसी की नहीं तीनों, आपने वाटर लिखा है उसने ली थी अभी देख के देख के सॉलिड फायर इसके लिए क्या यूज करोगे बोलो? वाटर, डीसीपी और सोडा एसिड फायर श्रेयस। लिक्विड फायर के तीन बताओ, डीसीपी और क्या जो लकड़ी पे आग लगी तो तुम झाग क्या लोगे? अब तीसरा देखो, दैट इज इलेक्ट्रिक फायर के लिए क्या है? डीसीपी और बोलो सीओ टू, ठीक है इतने बात समझ आ गई। अब हम लोग देखेंगे दूसरी चीज, दैट इज ये देखो कि एक्सटिंग्विशिंग लिक्विड फायर विथ फोम। देखो तो सर झाग से क्या कटऑफ हो गया?
और फिर से देख लो कि अगर हम फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर करेंगे तो उससे क्या होगा, ड्राई पाउडर का भी देख लो डीसीपी ये तो Fuel fires can be extinguished in a number of ways. Here we demonstrate the use of dry chemical powder and foam extinguishers. Dry chemical powder is most effectively applied to fuel fires in low sweeping motions. However, there is always the possibility of reignition. How easily this one can be reignited? Fuel fires are best extinguished with foam extinguishers. Foam should be applied as lightly as possible to smother the fuel and prevent spreading of the fire. अब देखो CO2 का तो तुम लोगों को मालूम है, बस स्प्रे करके करना है। आगे वाले एक और पॉइंट बताएंगे, फिर आपको 10 मिनट में छोड़ देंगे। लिखो टाइप ऑफ कंबशन। रैपिड कंबशन, जब बहुत जल्दी आग पकड़ ले, जैसे पटाखा फैक्ट्री में फटाफट आग पकड़ ले, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कपड़ा फैक्ट्री में बहुत तेजी से आग लग जाए, तो रैपिड कंबशन इसे क्या कहेंगे? गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। क्या आपने देखा है कि कभी कभी जो गैस सिलेंडर एलपीजी एलपीजी लीक करता है तो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, विद इन सेकेंड्स। रैपिड कंबशन में ये नहीं कि आग लगी है चलो तुम भी देख लो लग जाएगी वहां तो रन। सो सच काइंड ऑफ कंबशन लाइक गैसेस, अगर जैसे एलपीजी है तो एलपीजी या सीएनजी गैस, ऑटो वाले पास क्यों कहते हैं कि स्विच ऑफ करके उतरो तब सीएनजी डलवाओ, कभी ऑटो में बैठे हो जब सीएनजी डलवा रहा होता है तो हम लोग को उतरना पड़ता है, क्योंकि जो स्विच ऑन है उसी स्टार्ट और ऑफ करने में जो भी एक स्पार्क निकलता है, स्पार्क प्लग होता है ना गाड़ी में, उसी से आग लग जाएगी, अगर दूर ले जाके चलाओ तो। बताइए द कंबशन इन गैसेज इज वेरी रैपिड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़ी देर में लग जाती है। देखो इस चीज को, द गैस बर्न्स रैपिडली, और जल्दी जल जाती है, एंड प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट एंड लाइट। गैस के अलावा बॉम्ब में भी बहुत तेजी से ऐसा जलना होगा। सो फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर, देयर आर सब्सटेंस, तो अब जरा देखो, लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, दूसरा देखिए तो फॉस्फोरस में भी क्या होगा, चलिए फॉस्फोरस का देखिए, फॉस्फोरस को देखो, जब फॉस्फोरस में आग लगाई जाएगी, ये फॉस्फोरस क्या लिखा है इसमें, फॉस्फोरस क्या चीज होता है, ये माचिस का जो आगे का होता नहीं है उसका चूरा है, इसको स्मेल करो, इसी का सॉलिड बना।
ये रेड फॉस्फोरस। तो इसमें अगर आग लग जाएगी तो लगातार चलता रहेगा। सर जब ये माचिस जल जाती है तो वाली स्मेल आएगी। तो अब ये देखो थाउजेंड्स ऑफ मैच स्टिक जब जलाया जाएगा तो कैसा आग लगेगा। दोनों चीज दिखाएंगे तुमको, एक रैपिड कम्बशन भी दिखाएंगे और जब थाउजेंड्स ऑफ मैच स्टिक एक साथ जलाई जाएंगे बर्निंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैचेस। ऐसा YouTube पे बहुत सारा मिल जाएगा। ये देखो ये देखो माचिस है, लगातार जलती जा रही है कि नहीं। क्या माचिस की बहुत सारी एक साथ लेकर के आग लगा सकते हैं। ये देखो 50,000 एक बुलेट बनाई है, ये तो तुम लोगों ने देखा होगा ना। ये देखो ग्लू से जोड़ लोगे धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, लगातार, और रैपिड का मतलब तुरंत। देखा था जब उसमें आग लगी थी मुझे तो तुरंत बुझ भी गई थी और माचिस वाली लगातार जलती रही थी तो वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, लगातार होता है इसका, और ये होता तुरंत हो के बंद हो जाए। सो कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बस्ट इनटू फ्लेम, द कंबशन इन विच जो भी है मेटीरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम, आग लग गए ठीक है, विदाउट एनी अपरेंट कॉज, विदाउट एनी अपरेंट कॉज, कोई रीजन ना पता चले आग लग जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि तुमने माचिस का कुछ बनाया उन्हीं में फ्रिक्शन हो गया तो आग लग जाएगी, तो इस तरीके से कोई पता नहीं चलता है। जैसे कभी कभी कोल माइन में आग लग जाती है, कोयले में, तो वहां पर क्या है कि किस अपरेंट कॉज, कोई कोल माइन में क्या होता है कि जो बल्ब आप जलाते हो बल्ब की हीट से भी आग लग जाती है, वहां जो कोल गैस निकलती है। कोल माइन में क्या होता है ना, कोयले की बात नहीं कर रहा, जहां से कोयला निकल रहा है वहां अक्सर आग लग जाती है, उसके अंदर कोल गैस है और वो जो बल्ब जला रहे हैं। अभी एक तरीके का तो डेविस लैंप आ गया है आजकल, वो बहुत सुरक्षात्मक है, सेफ्टी लैंप है, उससे हीट नहीं पैदा होता। सर डेविस मार्केट ये देखो पूरा जानते हैं, इसका मतलब है कि पहले क्या था कि बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट आग लगती थी और लोग मरते जाते थे। सो विदाउट एनी अपरेंट कॉज अगर आग लगे तो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, बहुत जल्दी फ्री कंबशन, दैट इज द कंबशन ठीक है। इफ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली then such kind of combustion is called rapid combustion. Example is gas, flammable gas. कैसी gases? Flammable gases. अब जरा देखो, तो what do you mean by explosion? या विस्फोट किसे कहते हैं? So the burning in which a large amount of gases are released. इतनी गैस निकल जाए कि उस गैस के चारों तरफ अगर तुम लकड़ी लगा दो, लोहा लगा दो, तो लोहा फाड़ के निकल जाए। बॉम्ब लोहा होता है ना, तो बॉम्ब जो होता है ना उसमें एक लाइन बना दी जाती है लकीर, तो उससे क्या होगा जब वो टूटेगा तो इतने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, वो बड़ा बड़ा नहीं पीस फटेगा, उसके जो स्प्लिंटर्स है ना वो उसमें एक लाइन खींच दी जाती है अंदर अंदर इनर में, तो वो फटेगा तो इतने छोटे छोटे पीस पूरे शहर में हो जाएंगे। तो द बर्निंग विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इवन तुम पटाखे छुड़ाओ तो तुम्हें उसकी हवा आएगी, ऐसा होता कि नहीं, क्रैकर से अगर लक्ष्मी बम छुड़ाओ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ आ रहा है चेहरे। देखो द कंबशन विच रिलीजेस, देखो
the combustion in which large amount of gas is released is called explosion. अच्छा ये मिनी एक्सप्लोजन तुम्हें देखना है तो क्रैकर्स हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रैकर्स। सो अब आपसे लिखवाया जाएगा कि इन तीनों को कौन बुझा सकता है, और रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन, इतना आसान है। क्या क्या लिखोगे ये सब कुछ नहीं, देखो सर ये कंबशन कर लेते हैं, अब देखो यहाँ चीज हो जाएगी कि ये हटा दे रहे हैं तो सॉलिड फायर को क्या कहते हो, इसमें लिखना है। और विच अप्लायंस, अप्लायंस यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग, मटेरियल यूज, मटेरियल यूज, ठीक है। अब जरा देखो एक्सप्लोजन हटा दे रहे हैं, ये लोग अभी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्योंकि ये तो जानकार आती है ना, ये बात इन दोनों पर, कंबशन इन विच मटेरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम, जिसमें आग लग जाए लेकिन ये ना पता चले क्यों लगी है, विदाउट एनी अपरेंट कॉज, ठीक है। एंड इट बर्न्स कंटिन्यूअसली, एक लाइन और जोड़ दो, ये कैसा बस जलता है, ये तो तुरंत जल के बुझ जाएगा लेकिन ये कैसा रहेगा, क्योंकि लगातार है ना, तो ये लिखना जरूरी है, इट बर्न्स कंटिन्यूअसली। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बताओ, फॉस्फोरस वही दिखाया था कि नहीं, एग्जाम्पल क्या है, और ये एलपीजी या सीएनजी, चलो इनका टाइप का नाम भी लिखना है, अच्छा ए बी सी, और फिर वो सर तीन मिल गए, एक उधर दे दो उन लोगों को, थर्ड स्टेट को, सर इनके पूरा पूरा होने चाहिए ना, पूरे होने चाहिए, इसी पे तो नंबर है। इसमें इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल, जो आग बिना किसी कारण के लग जाए उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे, ये कंटिन्यूअसली जलती रहेगी, वो बुझ जाएगी। चलो सर, विच बर्न्ड विदाउट एनी रीजन, एनी अपेरेंट कॉज, पता नहीं सर, जिसका
जो वीडियो ऑफ कर दिया।